हेलो एवरीवन, आई एम ब्रिजेश। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्लास 8th मैथ एक्सरसाइज 2.4 विथ क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9, वी हैव अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। अब इस क्वेश्चन में जो बात हो रही है ग्रैंडफादर की, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड डॉटर की, ग्रैंड डॉटर, यहाँ पर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड डॉटर की बात हो रही है। तो इसमें यहाँ पर रिलेशन दे रखा है इनकी एजेस में, जो ग्रैंड डॉटर है ग्रैंड डॉटर की एज से जो ग्रैंड फादर हैं वो यहाँ पर 10 टाइम्स हैं। अगर जो ग्रैंड डॉटर की एज है उसको हम यहाँ पर एक्स यहाँ पर लैड कर लें तो जो ग्रैंड फादर हो जाएंगे इसके एज के यहाँ पर 10 टाइम्स हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है अगर यहाँ पर ये एक्स है तो दिस मीन्स यहाँ पर जो ग्रैंड फादर हैं इनकी एज यहाँ पर हो जाएगी 10x, यहाँ पर 10 टाइम्स हैं ग्रैंड डॉटर के। नेक्स्ट यहाँ पर ही इज़ आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। अब यहाँ पर एक लेसन और है ग्रैंड फादर की एज में। अब यहाँ पर जो ग्रैंड डॉटर है इससे ही ये 54 ईयर यहाँ पर और बड़े हैं। तो दिस मीन्स अगर इसकी एज यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर अब ग्रैंड फादर की एज यहाँ पर 54 ईयर्स यहाँ पर और हो जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पर जो ग्रैंड फादर हैं इसी में ही रिलेशन दे रखा है ग्रैंड डॉटर की एज से। तो यहाँ पर पहले उन्होंने कहा जो ग्रैंड डॉटर है उसकी एज से यहाँ पर 10 टाइम्स हैं। तो यहाँ पर हमने अगर उसकी एज को यहाँ पर एक्स कंसिडर किया तो ग्रैंड जो फादर हैं उनकी एज यहाँ पर 10x हो गई। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक लेसन इन्होंने और कहा यहाँ पर कि उसकी एज से ही यहाँ पर 54 ईयर्स यहाँ पर ये और बड़े हैं। तो यहाँ पर हमने 54 ईयर यहाँ पर उनको और यहाँ पर ज़्यादा कर दिया ग्रैंड डॉटर की एज से। तो यहाँ पर देखिए अब एक लेसन यहाँ पर ये बनता है, अब यहाँ पर जो ग्रैंड फादर हैं अब इससे पहले ग्रैंड डॉटर से ये 10x यहाँ पर क्या थे 10 टाइम्स थे। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट इससे ही ये x प्लस 54 हो गए। दिस मीन्स यहाँ पर ये जो ग्रैंड फादर है और ये है इसकी एज यानी कि जो ग्रैंड फादर की ये दोनों एज क्या होंगी यहाँ पर ये इक्वल होंगी। तो इसके बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इनको यहाँ पर हम इक्वल यहाँ पर पुट करेंगे। अब यहाँ पर जो ग्रैंड फादर हैं यानी जो 10 टाइम्स हैं और यहाँ पर x प्लस 54 है मतलब 54 यहाँ पर और बड़े हैं। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या होंगे यहाँ पर बराबर होंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो यहाँ पर इनकी प्रेजेंट एजेस क्या है वो हमें फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट ग्रैंड डॉटर की एज यहाँ पर हमने एक्स कंसिडर कर ली तो यहाँ पर जो ग्रैंड फादर है उनकी एज यहाँ पर हो जाएगी 10x हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर एक कंडीशन और है आल्सो ग्रैंड फादर इज एक्स प्लस 54। तो यहाँ पर डॉटर की एज से 54 यहाँ पर ये और ज़्यादा है। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए टी क्यू। अब यहाँ पर जो ग्रैंड फादर की एज है जो उनकी 10 टाइम्स एज है डॉटर की एंड डॉटर से एक्स प्लस 54 और ज़्यादा एज है, इन दोनों एजेस को हम यहाँ पर इक्वल कर देंगे। 10x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 54, इक्वल कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे 10x, ये x इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 54, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर आएगा 9x इक्वल टू 54, एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी 54 अपॉन 9, ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है 9 1 9 9 6 54। दिस मीन्स यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है वो यहाँ पर 6 आ गई, x की वैल्यू यहाँ पर 6 आ गई। यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू आई है इस x की वैल्यू से यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे। अब यहाँ पर जो हमने x की वैल्यू किसे कंसिडर किया था ग्रैंड
डॉटर की एज को, तो हम लिखेंगे आंसर में ग्रैंड डॉटर की जो प्रेजेंट एज यहाँ पर एक्स है, उसको हमने एक्स यहाँ पर कंसिडर किया था, तो जो एक्स की वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 6 है, दिस मीन इज यहाँ पर जो ग्रैंड डॉटर की एज है वहाँ पर 6 ईयर हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6 ईयर्स, ये आगे यहाँ पर ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज। नेक्स्ट यहाँ पर ग्रैंड फादर की प्रेजेंट एज यहाँ पर क्या हो जाएगी, टेन एक्स। यहाँ पर जो ग्रैंड फादर की प्रेजेंट एज है यहाँ पर ग्रैंड डॉटर के 10 times है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ग्रैंड डॉटर की एज आई है उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 multiplied by 6, 6 यहाँ पर ग्रैंड डॉटर की एज है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 60 ईयर्स। तो दिस मीनिज यहाँ पर जो ग्रैंड फादर है उनकी प्रेजेंट एज यहाँ पर 60 ईयर्स है, और नेक्स्ट ग्रैंड जो डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज यहाँ पर 6 ईयर है, 6 ईयर है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अमन्स एज इज 3 times हिज सन्स एज। यहाँ पर अमन एंड हिज सन्स, इनके यहाँ पर बेटे की यहाँ पर बात हो रही है, अमन एंड इनके बेटे की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर इनकी एजेस में यहाँ पर रिलेशन है। अगर सन की एज यहाँ पर एक्स है तो अमन की एज यहाँ पर 3x है। यहाँ पर कह रहा है कि अमन्स एज इज 3 times हिज सन्स एज, यानी इनकी जो बेटी की एज है उसके एज के अमन यहाँ पर 3 times हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 years एगो ही वॉज 5 times हिज सन्स एज। अब यहाँ पर 10 years पहले, 10 years पहले यानी 3x minus 10, अब इसमें भी -10, अब यहाँ पर ये पहले की बात हो रही है 10 years एगो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे, 10 year यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर जो अमन की एज है 10 years पहले जो अमन की एज है वो सन की एज के यहाँ पर 5 times थी, सन के एज के यहाँ पर 5 times थी, किसकी एज, अमन की एज, इनके सन के एज के यहाँ पर 5 times थी पहले। अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना हो, इन दोनों को हमें इक्वल करना हो, ये तो ऑलरेडी 5 times है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों एज यहाँ पर हमारी इक्वल हो जाएंगी, तो इस तरह से हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, इनकी प्रेजेंट एज क्या है वो हमें बतानी है, तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट सन्स जो सन की प्रेजेंट एज है यहाँ पर हमने एक्स लेट कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर अमन की प्रेजेंट एज यहाँ पर हो जाएगी अमन्स प्रेजेंट एज यहाँ पर 3x हो जाएगी। अब यहाँ पर 10 years एगो, 10 years एगो यानी 10 साल पहले की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर जो अमन की एज है, अमन्स एज यहाँ पर 3x माइनस 10 हो जाएगी, एंड इनके जो सन की एज है वो यहाँ पर हो जाएगी 10, जो सन की एज है उसमें से हम 10 माइनस कर देंगे, एंड जो अमन की एज है उसमें से हम 10 माइनस कर देंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए टी क्यू, अब जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने अमन की एज यहाँ पर लिख दी एंड इक्वल टू करके यहाँ पर मैंने सन की एज लिख दी एक्स माइनस 10। अब यहाँ पर इनकी एजेस में रिलेशन है, 10 years पहले का यहाँ पर रिलेशन है, जो अमन की एज है वो यहाँ पर 5 times है, जो अमन की एज है यहाँ पर 5 times है सन की एज के, तो दिस मीनिज ये तो 5 times है ऑलरेडी, तो हम
इन दोनों की एज को यहाँ पर इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे, जो सन की एज है उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे। 3x माइनस 10 इक्वल टू 5x, 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5x हो जाएगा, एंड 10 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50। इस तरह से अब जो एक्स वाले टर्म है उनको हम एक साइड लेके आएंगे, ये 5x लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 5x इक्वल टू माइनस का 50, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 10। ये लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में जाएगा ये प्लस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस का 2x, यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बट साइन आता है हमेशा बड़े नंबर का, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर बड़ा नंबर है तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2x इक्वल टू यहाँ पर आएगा माइनस का 40, यहाँ पर 50 यहाँ पर ग्रेटर है, माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 40/2। यहाँ पर जो x के साथ 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, अदर साइड जाके ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 1 2, 2 2 4 एंड 0 यहाँ पर सेम रहेगा, x इक्वल टू यहाँ पर 20 आ गया। तो दिस मीनिज यहाँ पर जो x की वैल्यू आ गई, अब इस x की वैल्यू से यहाँ पर जो इनकी जो एज है वो हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर तो प्रेजेंट एज ऑफ सन यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर x थी तो दिस मीनिज जो x की वैल्यू यहाँ पर 20 है तो हो जाएगी 20 ईयर्स। नेक्स्ट यहाँ पर अब यहाँ पर जो अमन की एज है, यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ अमन 3x हो जाएगी। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है उसकी मल्टीप्लाई हम 3 से यहाँ पर कर देंगे, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 3 तो दिस मीनिज यहाँ पर 60 आ जाएगा, तो यहाँ पर 60 ईयर। यहाँ पर जो सन की प्रेजेंट एज है वो 20 ईयर्स है एंड अमन की प्रेजेंट एज यहाँ पर 60 ईयर्स है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। आई होप आपको क्वेश्चन इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा।